ओके डियर स्टूडेंट्स, ये एक एचपी एसएससी का एग्जाम हुआ अभी 12 तारीख को और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। दुर्भाग्य ये है कि ये हाफ नंबर का है और जिनके गलत हुए हैं उनके लिए बेनिफिट भी है। तो सबसे पहले ये जो सीरीज है बता दूं मैं, ये सी सीरीज है, इसमें 170 क्वेश्चन है और 85 का मार्क्स है और टाइम जो है वो 2 घंटे है, अभी लेटेस्ट हुआ है। और इसको मैं क्लियरली आपको एक एक चीज बताऊंगा। तो सबसे पहले यहां से पूछा है कि विच वन इज द फ्लाइंग फिश। ये सारे जानते हैं कि फ्लाइंग फिश जो है दैट इज द एग्जोसीटस। एग्जोसीटस में क्या होता है, जो पेक्टोरल फिन होते हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं फ्लाइंग के लिए, और फिशेज के पीछे जब प्रीडेटर पड़ा होता है तो फिश क्या कर जाती है, फ्लाइंग कर जाती है। दिस इज अडेप्टेशन इन एग्जोसीटस और दिस इज कॉल्ड फ्लाइंग फिश। तो आंसर जो है इसका दैट इज बी। नेक्स्ट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंसीडर द फॉलोइंग कंपोनेंट यूज्ड इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट एक्ट एज सिक्वेंशियल मैनर। आप ईटीसी चेन की बात करोगे, ईटीसी चेन में सबसे पहले आपके पास क्या होगा बेटा, समझने की बात है, जो बच्चे अच्छे से करते हैं उनको पता होगा, एनएडी। एनएडी से आपके एनएडीएच हो, एनएडी से सेकंड जाता है एफएडी, एफएडी के बाद जाता है आपका साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम के सी के बाद जाता है साइटोक्रोम ए सी। तो इसका जो सिक्वेंस है दैट इज द, इसमें आपके आंसर जो होगा ए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज कॉल्ड एज गप्पी। गप्पी जो होती है दैट इज कॉल्ड पोइसीलिया, पोइसीलिया को गप्पी बोला जाता है। और यहां पे खास बात और है, मोलिनिसिया एक ऐसी स्पीसीज है फिशेज की जो हर्मेफ्रोडाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीडेटरी फिशेज बिलोंग टू विच ट्रॉफिक लेवल इन द फूड चेन। बहुत अच्छी बात है बेटा, प्रीडेटरी फिशेज कहां पे होगी, आप समझ गए होंगे। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल जो होता है वो हर्बीवोर्स का होता है, सेकेंड लेवल जो होता है वो कार्निवोर का होता है, थर्ड हर्बीवोर उसको खाएगा प्रोड्यूसर, फर्स्ट लेवल प्रोड्यूसर, सेकंड इज द हर्बीवोर एंड थर्ड लेवल आपका आ जाएगा आपका कार्निवोर। तो अच्छी सी बात है। इन सेमी इंटेंसिव एक्वाकल्चर प्रोडक्टिविटी इज अराउंड, अब प्रोडक्टिविटी के यूनिट देखो यहां पे, जिसने क्वेश्चन डाला है पर हेक्टेयर पर ईयर यह पूछा है। अब यहां पे प्रोडक्टिविटी के सेमी इंटेंसिव एक्वाकल्चर क्या होता है, एक होता है इंटेंसिव एक होता है एक्सटेंसिव। इंटेंसिव जो होता है वो स्मॉल एरिया में होता है, वहां पे आर्टिफिशियल फीडिंग करवाते हैं। एक्सटेंसिव जो होता है आपका वो लार्ज एरिया में होते हैं, वहां पे आर्टिफिशियल फीडिंग जो होती है वो बंद होती है। और सेमी इंटेंसिव जो होता है वो बिटवीन इंटरमीडिएट ऑफ टू होता है, जिसको सेमी इंटेंसिव बोलते हैं। इसकी जो प्रोडक्टिविटी होगी 1-2 टन पर हेक्टर पर ईयर। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन में लॉ ऑफ डोमिनेंस पूछा था। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस बेटा आपको पता है, जो मेंडल के 3 लॉ हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो F1 में क्या होता है, जो डोमिनेंट करेक्टर है वही आते हैं, लेकिन F2 में डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों आते हैं। तो F2 की जो रेशियो होती है आपको पता है क्या होती है, F2 की जो होती है वो कितनी होती है, 3:1 फिनोटिपिक और 1:1 जीनोटिपिक, और F1 में तो सारे वो होते हैं। तो आंसर जो है इसका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा सेवंथ, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए लार्वीवोरस फिश। आपको एकदम जाना चाहिए था कि ये जो गैम्बोजिया होती है ये मॉस्किटो को लार्वा को खा जाती है, तो आंसर इज द डी। नेक्स्ट इज द एलिमेंट्री कैनाल इज शॉर्ट एंड स्ट्रेट ट्यूब। एक्चुअली ये जो है कार्निवोरस फिशेज में शॉर्ट होती है और वहां पे बेल्ब होते हैं और बेल्ब में डाइजेशन होता है। नेक्स्ट पूछा है MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड MCH, ये पार्ट जो होता है दैट इज द पार्ट ऑफ ब्रेन, और यहां पे एडिनोफाइसिन न्यूरो पारस इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिया जो ये हार्मोन सिक्रीट करता है। तो आंसर इज द बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेटा 10th क्वेश्चन है, यहां पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कैटफिश। कैटफिश जो होती है बेटा उसमें बार्बल्स होते हैं, लेकिन एंगुला बेंगलिस जो है इसमें बार्बल नहीं होते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फिश फॉर्म कंस्ट्रक्शन इज दैट इज द, वहां पे उसकी टोपोग्राफी देखी जाती है, सॉयल देखी जाती है, वाटर देखा जाता है। तो आंसर इज द डी, ऑल ऑफ दीज राइट चॉइस।
हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल को एंजाइम इन टीसीए साइकिल. इसने टीसीए साइकिल पढ़ी होगी बेटा. वहां पे क्या होता है, पाइरुवेट जो ग्लाइकोलाइसिस से आता है, ग्लाइकोलाइसिस के बाद वो एंटर कर जाता है, फिर आपका इंटरमीडिएट आता है बीच में, कौन सा, वहां पे उसकी डी कार्बोक्सिलेशन होती है और बेटा वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देता है और एसिटाइल को एंजाइम आपकी टीसीए साइकिल में घुस जाता है. और यहां पे आप देखेंगे तो एक एसिटाइल को एंजाइम क्या करता है बेटा, वो एक कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट ऑफ टीसीए साइकिल कैन नॉट बी यूटिलाइज ग्लूकोनियोजेनेसिस. तो ग्लूकोनियोजेनेसिस जो होता है, दैट इज द ग्लूकोनियोजेनेसिस में आप देखोगे ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही है बेटा, पर किससे हो रही है, अदर देन कार्बोहाइड्रेट, अदर देन ग्लूकोज. तो बेटा कौन से होंगे, प्रोटीन हो सकती है, फैट हो सकती है, तो इसका इंटरमीडिएट आंसर बेटा कौन सा होगा, सी ऑक्सलो एसीटेट. नेक्स्ट बेटा आपने देखा होगा ग्लाइकोसाइडिंग बॉन्ड, ये ग्लैक्टोज जो है, ग्लैक्टोज क्या है, डाइसैक्राइड है, डाइसैक्राइड में ऑलिगोसैक्राइड की टाइप है ग्लैक्टोज. और यहां पे ग्लैक्टोज जो बना होता है बेटा दो चीजों से बना होता है, ग्लूकोज एंड लैक्टोज. अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें क्या होता है, बीटा वन फोर लिंकेज होती है, ग्लूकोज ग्लूकोज जो होता है किसके साथ, ग्लैक्टोज जो लैक्टोज होगा दो चीजों से बना होगा, ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज. और बेटा जो लैक्टोज में फॉर्मेशन होगी ग्लैक्टोज ग्लूकोज के साथ 1,4 लिंकेज होगी. नेक्स्ट, व्हाट आर द 3 फेजेस ऑफ डाइजेस्टिव मैनेजमेंट प्लानिंग. तो बेटा इसका सबसे पहला होगा, पहले प्लानिंग का काम होता है, प्लानिंग करना, इवैक्यूएशन करना और उसकी रिकवरी करना. तो बेटा आंसर जो है वो डी है. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कैप्सूल, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेटा 16 क्वेश्चन है, कैप्सूल ऑफ माइक्रो इनकैप्सुलेटेड डाइट ऑफ फिश इज मेड. दैट इज द बेटा आपने देखा होगा तो कैप्सुलेटेड किया जाता है माइक्रो, उसको जिलाटीन के साथ किया जाता है. केमिस्ट्री में देखना कभी ऐसे काम करते हैं, जिलाटीन का उसका कैप्सूल की कोटिंग की होती है, उसके अंदर दवाई डाली होती होती है, तो फीड को भी हम बेटा क्या करते हैं कि उसके साथ हम वो कर देते हैं, इनकैप्सुलेटेड करते हैं. अब प्रेफरेबली एज ऑफ कार फिश टू इंड्यूस ब्रीडिंग इज, बेटा जो कार्प होती है, साइप्रियस कार्पियो कॉमनिस होती है, हाइपोथेलियस मॉल्टिक्स होती है, सिल्वर कार्प जिसको बोलते हैं, और एक सिप्रियस कार्पियो स्पेकुलरिस होती है जिसको मिरर कार्प बोलते हैं. पर इसकी बेटा ये बात है, ये 6 महीने में अपने अंडे देना शुरू कर देती है और बेटा इस साल में 2 बार ब्रीड कर जाती है. तो आंसर जो होगा बेटा 0 to 1 ईयर्स होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन है. तो बेटा अच्छी सी बात है, फिशरी डिपार्टमेंट जो फिशरी देखेगा, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर सारा देखेगा, नेशनल बैंक फंड देगा, सी फूड अलग देखे. तो आंसर इज द 8th का, आपका 18 क्वेश्चन का ए है. ईसिंग ग्लास बेटा इसको इसकी जो एयर ब्लैडर से निकाला जाता है फिशरी से, और ये क्लियरिंग ऑफ बाइन के काम आता है, ये साफ करने के काम आता है. सम इलास्मोम रंग है मोडिफाइड पेल्विक फिन, बेटा जो पेल्विक फिन होता है उसके एनल के पास तो क्या हो जाता है बेटा, जो क्लेस्पर में मॉडिफाई होता है और कपुलेशन का काम करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है 21, इसमें पूछा गया है आपके पास द पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट होता है दिस सिचुएशन, क्योंकि हर्बीवोर्स में बेटर एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी होती है देन द कार्निवोर्स, बिकॉज हर्बीवोर्स जो होते हैं बेटर, आगे आगे जाओगे तो ट्रॉफिक लेवल कम होता चलता है बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिश स्पीसीज कैन बी इंटीग्रेटेड विद राइस फार्मिंग. तो बेटा एक होती है कैटला, ये सरफेस फीडर है, रोहू जो है कॉलम फीडर है, मृगल जो है वो बॉटम फीडर है. तो आंसर इज द ए बेटा, राइट आंसर है इसका. आइडेंटिफाइंग द करेक्टली मैच पेयर, आपने यहां पे देखना ये नहीं है बायोडिवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए. और जो काइटो प्रोटोकॉल था बेसिकली ये यूनाइटेड नेशन ने स्टार्ट किया था 1991 में, और इसका मेन पर्पज था कि कौन कंट्री जो होगी वो कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करे, और दैट इज रिलेटेड विद द क्लाइमेट चेंज. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इलास्मो ब्रांच रिमूव सोडियम क्लोराइड. तो बेटा वो जो रिमूव करती हैं वो कैसे करती हैं, रेक्टल ग्लैंड से करती हैं. तो आंसर जो बेटा इसका जो होगा बेटा दैट इज द बी आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रास कार्प इज नेटिव ऑफ, बेटा ग्रास कार्प जो होती है टीनो फ्रेंजियोडोन आइडला होती है, इसको हम कहां से रिमूव करते हैं, ये कहां काम करती है. बेटा अगर कहीं लेक में बीड्स ग्रो कर जाए तो बीड्स को रिमूव करने के लिए यूज होती है. रिवर ऑफ चाइना एंड रशिया. द आइडियल शेप ऑफ कंस्ट्रक्शन फिश पॉन्ड, बेटा हमेशा पॉन्ड जो बनाया हुआ है वो रेक्टेंगुलर बनाया जाता है. अब जो बेटा ये एक्जोटिक स्पीसीज होती है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 27 है, ये किसके लिए काम आती है, ये क्या कर देती है, ये सब कुछ कर देती है, इंटरब्रीडिंग कर देती है, कंपटीशन फॉर फूड करती है, हैबिटेट की डिस्ट्रक्शन कर देती है. कोई भी बेटा अगर बाहर की कंट्री से कोई अंग्रेज यहां आ जाता है
तो उसका कंपिटिटर कोई नहीं रहता, तो क्या हो जाता है, वो ज्यादा फल फूल जाता है और इंडियन की डाइवर्सिटी को क्या करता है, खराब कर देता है। तो बेटा जो एग्जोटिक स्पीसीज जो होती है, दैट इज नॉट एंडेमिक स्पीसीज ऑफ इंडिया, वो बाहर से आई हुई है और यहाँ पे वो क्या करेगी, हमारे जो कंट्री को है उसको खराब करेगी। तो एग्जोटिक स्पीसीज फल फूल ज्यादा जाती है जिससे प्रोडक्शन ऑफ फिशीज ज्यादा हो जाती है। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन 28th क्वेश्चन है बेटा, फिश जेनेटिक स्टडी इन इंडिया आर मेनली कैरीड आउट बाई, तो जेनेटिक स्टडी है बेटा, दैट इज द NBFGR, दैट इज द नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सिस बेटा, इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ, मैं इसका मेंबर हूं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोलिथ प्रेजेंट इन फिश आर यूज फॉर, ऑटोलिथ जो होती है बेटा कान के अंदर होती है और कान की एक हड्डी होती है, क्या करते हैं इससे बेटा, इससे हम एज डिटरमाइन करते हैं, इसको खाते नहीं है ना, ऑयल बनाते हैं इसका बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मेरे को लगता है क्वेश्चन गलत डाला हुआ है, जो टीचर था किस बेस पे डाला हुआ है, द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन फिश, एक्चुअली क्या होता है ना, वो हर्मेफ्रोडाइट है, एक ही होती है मोलिनिसोनिया, जो पहले बचा चुका हूं आपको, पार्थेनोजेनिन उसमें होती है, हर्मेफ्रोडाइट जो होती है पार्थेनोजेनिसिस इनमें नहीं होती है, और बाइसेक्सुअल अलोन होती है। मेरे ख्याल से तो आंसर ये है बेटा, हर्मेफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल एक ही बात है। एग्जामिनर ने किस बेस पे क्वेश्चन डाला हुआ है, पार्थिनोजेनेसिस जो होती है मैंने एक बताई, फिशेज मैक्सिमम में नहीं होती है, तो इसका कंफ्यूजन आंसर है, लेकिन ये यूनिसेक्सल्स होती हैं, ये मैंने पढ़ा था बेटा आज तक, ये क्वेश्चन जो है डॉटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, साइंटिफिक नेम ऑफ रोहू इज, बेटा ये तो सबको पता ही होगा, जब आप बीएससी कर रहे हैं, बीएससी से फर्स्ट से लेके आपने फिशेज ही देखी होगी, सेकंड ईयर में आपको कॉर्डेड लग जाते हैं, तो बेटा इसका नाम है लेबियो रोहिता। बुक लंग्स आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ, जिसका बेटा नॉन कॉर्डेड अच्छा होगा वो एकदम बता देगा, अरेकिनिडा, जिनमें चार टांगे होती हैं, तो बुक लंग उनमें होते हैं, चार टांगों वाले कौन से बेटा, कमेंट्स करना नीचे, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, कोनोसाइट फॉर्म द लाइनिंग ऑफ पैरागेस्टिक कैविटी इन, जिसने नॉन कॉर्डेट पढ़ा होगा बेटा उसको कमेंट्स करना, ये स्पॉन्जेस में होता है और कोनोसाइट का काम क्या होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिविंग फॉसिल, बेटा किंग क्रैब लिमुलस लिविंग फॉसिल, आर्थ्रोपोडा का, स्पिनोडॉन लिविंग फॉसिल रेप्टाइल का, आर्कियोप्टेरिक्स ये बेटा लिविंग फॉसिल नहीं है लेकिन मिसिंग लिंक है बेटा, तो ये करेक्ट मिसिंग लिंक है बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, तो ये भी नहीं होगा, लेकिन पेरिपेटस जो है बेटा दिस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, सो राइट आंसर इज द पेरिपेटस। नेक्स्ट बेटा, रिट्रोग्रेसिव मेटामोरफोसिस, बेटा रिट्रोग्रेसिव होती क्या है ये बहुत जानना जरूरी है। रिट्रोग्रेसिव क्या होता है, रिट्रोग्रेसिव होता है जब लार्वा जो होता है एडवांस हो जाता है, बच्चा एडवांस हो जाएगा, अडल्ट क्या हो जाएगा, ज्यादा एडवांस नहीं होगा, तो उसको हम रिट्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव में बच्चा कम एडवांस होता है, अडल्ट ज्यादा एडवांस होता है, तो रिट्रोग्रेसिव देखी जाती है वो हर्डमानिया है, ये प्रोटोकॉल डेट है बेटा, इसको ट्यूनिकेट में आता है बेटा। एक्सोस्केलेटन स्केल, ये एक्सोस्केलेटन स्केल जो बेटा इक्थियोफिश है, ये एम्फीबियन में आती है और ये फिश लाइक दिखती है। नेक्स्ट, एक्सक्रीटरी मैटर ऑफ बोनी फिश, बोनी फिशेज का बेटा अमोनिया होता है और लेकिन कार्टिलेज फिशेज का यूरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट, पोस्ट एनल जो दैट इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ कॉर्डेट, बेटा कॉर्डेट के कितने करेक्टर होते हैं, बेटा कॉर्डेट के करेक्टर देखिए तो चार होते हैं, प्रेजेंस ऑफ फ्रेंजियल गिल स्लिट, प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड और प्रेजेंस ऑफ टेल, तो बेटा कॉर्डेट का करेक्टर है, लेकिन हम वर्टिब्रेट में भी होती है लेकिन इनवर्टिब्रेट में नहीं होती है, कॉर्डेट वर्टिब्रेट के, वर्टिब्रेट जो है वो कॉर्डेट के अंदर आता है। नेक्स्ट सिस्टम बेटा, कैनाल सिस्टम, जिसने अपना अच्छा से पढ़ा होगा कौन सा, नॉन कॉर्डेट, तो कैनाल सिस्टम जो बेटा दैट इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ स्पॉन्जेस। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 40 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज यूनिसेक्सुअल, तो बेटा ये बाइसेक्सुअल तो बचा कौन, कॉकरोच इज यूनिसेक्सुअल बेटा, इसको एनल साइल से पहचानते हैं हम, बड़ा और छोटा कौन, मेल कौन है और फीमेल कौन सा है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल कंप्राइजेस जॉलेस फिशेज, तो बेटा फिशेज ट्रू फिशेज तो जॉ वाली हैं, ये आपकी ऑर्नामेंटल्स हैं, लेकिन लैम्प्रे एंड हैगफिश जो है ये आपके साइक्लोस्टोम्स हैं, ये बिना जॉ के हैं। स्केंड्री रेडियल सिमेट्री, बेटा रेडियल सिमेट्री जो होती है अर्ली इनवर्टिब्रेट में है लेकिन बाद में देखी गई, वो इकाइनोडर्मेटा में भी देखी गई, तो आंसर इज द सी इकाइनोडर्मेटा। वाटर वैस्कुलर सिस्टम बेटा एकदम जान गए हो गए आपका, कन्फ्यूज हो गए उन्हें, इसमें क्या हो गया बेटा, सी हॉर्स जो है वो सी हॉर्स जो है वो हिप्पोकैम्पस है, फिश ट्रू फिश है, सी पैन आपका
स्पॉन्जीज आ जाएगा, सी एनिमोन उसमें आ जाएगा, सी कुकुम्बर आपका राइट आंसर है, जिसको होलोथीरिया और सी कुकुम्बर भी बोलते हैं। ऑर्गन ऑफ जैकॉब्सन, ये बेटा रेप्टाइल में प्रेजेंट होता है और बेटा ये क्या करता है, स्मेल का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 45, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सेल्फ क्या होती है जब दोनों सेक्सेस सेम प्रेजेंट होंगे, तो बेटा ये तो यूनिसेक्सुअल है, बेटा ये बाइसेक्सुअल है, लेकिन हुआ क्या इसमें, बेटा हुआ क्या इसमें, इसमें प्रोटेंडरी कंडीशन है, मेल पहले मैच्योर कर जाता है फीमेल बाद में करता है, तो ये भी नहीं सेल्फ फर्टिलाइजेशन, कॉकरोच तो बेटा यूनिसेक्सुअल है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा, तो आंसर इज द फैसियोला हिपैटिका बेटा राइट आंसर है। द कैमल हम्प कंसिस्ट ऑफ, बेटा हम्प जो होता है वो एडिपोज टिश्यू का होता है, वो पानी को स्टोर करता है, वहां फैट होते हैं, लोग कुछ ऐसी ऑप्शन है इसमें कि फैट होता है उसमें, वो डिपोजिशन होती है, कुछ बोलते हैं कि वो पानी को स्टोर करता है, पर बेटा ऐसा नहीं है। द टेलर प्राइमेट, ये बेटा टेलर प्राइमेट जो है इसमें टेल वाले हैं, अब ये क्वेश्चन जो है टेलर्स मतलब जिनमें टेल है या टेललेस है, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग तो नहीं है, क्वेश्चन की क्लैरिटी नहीं है बेटा, तो मैं लॉरिस बता देता हूं इसको। मायोग्लोबिन बेटा, मायोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन, बेटा आपको पता होना चाहिए मायोग्लोबिन जो होता है हमारे मसल जो होते हैं वो रेड होते हैं, और मायोग्लोबिन जो होता है मसल के अंदर प्रेजेंट होता है। वेरी गुड बेटा, आप इसको सुनते रहिए और समझते रहिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 क्वेश्चन है बेटा, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बाय अर्थवर्म, जब हम अर्थवर्म से सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं तो उसको बर्मी कंपोस्टिंग बोला जाता है बेटा, दैट इज ये बेटा सातवीं और आठवीं का क्वेश्चन भी बता देगा, बच्चा भी बता देगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, द सेल दैट कैन मेंटेन मैरो सेल्स आर कॉल्ड, ओस्टियोक्लास्ट क्या करते हैं, ये स्टेम सेल का काम करते हैं बेटा, ये स्टेम सेल फिर आगे जाके डिफ्रेंशिएट होते हैं बेटा, ये डब्ल्यूबीसी और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी आगे जाके डिफ्रेंशिएट हो जाता है बेटा। नेक्स्ट आपको पता होगा बेटा, नीजल ग्रेन्यूल आर प्रेजेंट इन, दीज आर प्रेजेंट इन द नर्व सेल, तो राइट ऑप्शन इज द नर्व सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, Who is called the second Ashoka? ये बेटा जीके आ गया, जीके थोड़ा मेरा कमजोर है, थोड़ा ध्यान रखना है इसका, लेकिन मैं बता देता हूं। नेक्स्ट बेटा इसमें जो जीके जो सेकंड इसका अशोका था वो था कनिष्का था, कनिष्का ने बुद्ध के धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज रूलर बिल्ड द एलोरा टेम्पल, बेटा एलोरा टेम्पल जो बनाए थे वो पलवा ने बनाए थे। द सिल्वर क्वाइन टंकाबाज इंट्रोड्यूस बाय, बेटा ये इल्तुतमिश ने किया था। बुलंद दरवाजा जो बेटा फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में, मैं गया था जब मेरा बीएससी का टूर था, तो मैं ताजमहल गया था और फतेहपुर सिकरी भी गया था, और वहां पे वो बुलंद दरवाजा है, वहां पे लोग जो जाते हैं वो मथा टेक के आते हैं वहां पे। नेक्स्ट बेटा, चांद बीबी वाज द रूलर ऑफ, चांद बीबी जो थी अहमदनगर और बीजापुर दोनों में लड़ी थी, उसने अकबर के साथ लड़ाई की थी बेटा, तो अहमदनगर इसका ज्यादा जो था टेरर था जो था वो अहमदनगर में ज्यादा था। वो सक्सीड गुरु नानक, गुरु नानक जो पहले गुरु थे सिखों के, तो सेकंड जो थे वो गुरु अंगद जी थे। नेक्स्ट, हु इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, बेटा जो लॉर्ड कॉर्नविल था वो खतरनाक आदमी था, इसने अपनी जो सेटलमेंट थी, इसने अपनी सेटलमेंट जो थी वो कहां कर ली थी, इसने लॉर्ड कॉर्नविल्स ने बंगाल में कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 59, द एडिटर ऑफ यंग इंडिया, बेटा ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, कई बोलते हैं कि सुभाष चंद्र ने लिखी होगी, कई बोलेंगे बी आर अम्बेडकर, क्योंकि बी आर जवाहरलाल नेहरू, और बेटा ये जो है इट इज रिलेटेड टू महात्मा गांधी। विच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी डू वी फॉलो इंडिया, बेटा आप वोट डालते हो तो कौन से हैं, रिप्रेजेंटेटिव हम आगे भेजते हैं, तो ये जो है रिप्रेजेंटेटिव है, अध्यक्षीय है। प्रोविजन ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया कंस्ट्रक्शन बिकेम एप्लीकेबल, बेटा ये वैसे तो 1949 में आया हुआ है, आंसर बी होना चाहिए इसका। वेन वेयर फंडामेंटल ड्यूटीज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 63, Which of the following does not hold his post after the approval of President? तो इसके बाद आएगा Speaker of Lok Sabha. Which of the following is not related to Parliament? That is the answer is the suspension. Which gas is found in maximum quantity in lower atmosphere? That is the nitrogen. ये बेवकूफ बनाने के लिए किया हुआ है, जो नाइट्रोजन होती है 78% होती है, तो नीचे भी आपके पास लोअर एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच प्लेनेट एज द ड्वार्फ प्लेनेट, तो इसका जो आंसर है दैट इज द
सी प्लूटो, अभी इसको निकाल दिया गया है. द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड इज द गंगा डेल्टा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया. तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश. वट इज द अदर नेम ऑफ सह्याद्री रेंज. सह्याद्री रेंज जो है वेस्टर्न घाट है हमारा, इसको बोलते हैं. विच ऑफ द रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन द इंडियन टेरिटरी. तो गंगा आपको पता है कहाँ से आती है, गंगोत्री से आती है. सतलुज जो आती है वो तिब्बत से मानसरोवर से आती है. द फर्स्ट मल्टीपल प्रोजेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इज दामोदर. नेक्स्ट, द शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज स्टिल प्रीवेलेंट इन. ये ऑल ऑफ स्टेट में शिफ्टिंग कल्टिवेशन है. ऑल ऑफ दीज इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग. काजीरंगा जो है दैट इज फेमस फॉर राइनोसर. वन हॉर्न राइनोसर होते हैं, आसाम में ये नेशनल पार्क है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. तो ये दीज आर ऑल द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. तो बेटा ये सारी जो हैं सिडबी नबार्ड, ये दो आपकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ICICI बैंक जो है ये प्राइवेट बैंक है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेंसी हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रुपीज़. बेटा यूरो की 72 है, लेकिन पौंड की 90 है, डॉलर की आपकी 68 है, सऊदी रियाल की आपकी 18 है. तो आंसर इसका होगा पौंड. फिस्कल पॉलिसी दैट इज रिलेटेड टू रेसिपिट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्ट टैक्स. दैट इज द सेल टैक्स इज द नॉट डायरेक्ट टैक्स. फीरा इंडिया हैज़ रिप्लेस दैट इज द फीमा. फीरा को रिप्लेस कर दिया गया है फीमा में. इनसाइडर ट्रेडिंग इज रिलेटेड टू नॉट ट्रेड सेक्टर दैट इज द शेयर मार्केट. तो आंसर इज द शेयर मार्केट. इंसेक्टिबोरस प्लांट ग्रो इन सॉयल डेफिशेंट. तो वहाँ पे इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होते हैं इंसेक्ट को खाते हैं और नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है. तो आंसर इज नाइट्रोजन. विच विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग दैट इज विटामिन के. विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज़ द मैक्सिमम थर्मल कनेक्टिविटी दैट इज द सिल्वर. एवरी हॉट ऑब्जेक्ट एमिट. जो हॉट ऑब्जेक्ट एमिट होता है इंफ्रारेड रेज एमिट करता है. विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोथ रेडली कैच फायर दैट नॉट द पॉलिस्टर क्लोथ दैट इज द कॉटन क्लोथ. विच ऑफ द फॉलोइंग सिंथेटिक रबर दैट इज नॉट नियोप्रीन दैट इज द नियोप्रीन. राइट आंसर. यहाँ पे बेटा ए इज इक्वल टू 1 दिया है, सी इज इक्वल टू 3, तो ई जो है आपके पास 5 है, तो 5 3 8 1 9. वैसे ही ए आर टी है, 1 है, तो ए आपका 17 पे चला जाएगा, ये 20 पे चला जाएगा. तो आंसर इज द 39. बहुत ईजी आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखो बेटा, द मिसिंग टर्म आपको दिया है ए बी, सी को छोड़ दिया डी ई एफ, जी को छोड़ दिया एच आई जे के. पहले 2 थे, फिर 3 हो गए, फिर 4 हो गए, यहाँ 5 होंगे जे के. एल को छोड़ दो, एम एन ओ पी क्यू ऑप्शन होगी, आपका आंसर आ जाएगा. बरा सिंगरी वो ग्लेशियर है बेटा. विच इज द ओनली मिनरल इन द स्टेट एच पी विच इज फाउंड इन अबंडेंस दैट इज द लाइम स्टोन. चमेरा डैम जो है बेटा दैट इज लोकेटेड इन चंबा. तारागढ़ जो है ये पालमपुर में है, तो आंसर इज द कांगड़ा. विच इज़ द इंडिया फेसबुक इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2019 दैट इज़ द 347th रैंक है. द फर्स्ट एवर यू एन इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन इज सेलिब्रेटेड ऑन द 24th जनवरी. विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन अवार्डेड भारत रत्न. तो भारत रत्न 3 को दिया गया बेटा, नाना जी देशमुख को दिया गया, भूपेन हजारे को दिया गया और प्रणब मुखर्जी को दिया गया. बोथ आंसर दैट द बोथ ए एंड बी. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड मंकी एज ए बर्मीन. तो इस हिमाचल प्रदेश ने कर दिया है, जो हमारी फसल है वो डिस्ट्रॉय कर दिया बहुत ज़्यादा. सिनोनिम ऑफ द बर्ड कंसीड दैट इज द एडमिट. यू शुड बी कंसीडरेट टू योर एम्प्लॉयज. आंसर इज द 2. मीनिंग ऑफ द इडियम बैग ऑफ बोन हड्डियों का कंकाल दैट इज द एक्सट्रीमली बिग पर्सन. फ का उच्चारण स्थान बेटा दंतोष्ठ बताया है. शक्तिहीन में समास है तत्पुरुष समास. कठोर का पर्यायवाची बेटा निष्ठुर है. नेक्स्ट, अमंग द गिवन क्लासी विच वन इज द प्राइमरली मैराइन विद ओनली फ्यू फ्रेश वाटर. तो बेटा क्रस्टेशिया ऐसी क्लास है
इसमें सारे ही मैराइन है, कुछ फ्रेश वाटर है। ब्रैकिश वाटर बेटा वो होता है जो मिक्सचर ऑफ सी और फ्रेश वाटर का होता है। आंसर इज एडिपोज डॉर्सल फिन इज प्रेजेंट बेटा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट बेटा लेक वेयर नो मिक्सिंग। बेटा क्या होता है कि टॉप वाटर जो होता है लेक इंसुलेटेड और प्रोटेक्टेड आइस कवर, देर इज नो इफेक्ट ऑफ वेदर और एक्सटर्नल फैक्टर। क्या होता है बेटा एमिक्टिक, देर इज नो मिक्सिंग ऑफ ग्राउंड वाटर और अबव वाटर, जिसको बोलते हैं एमिक्टिक, नहीं होती। अगर साल में एक बार होगी तो क्या बोलेंगे मोनोमिक्टिक, अब मोर देन वन ईयर हो जाएगी तो पॉलीमिक्टिक, उसको ऐसी लेक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, किसी चीज़ की चिलिंग इंजरी फ्रॉम द एक्सपोजर ऑफ द प्रोडक्ट टू ए टेम्परेचर, उसको बिलो द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रेंज करना पड़ेगा। हाँ ये देखो, अगर मोर देन सिंगल स्पीसीज ऑफ फिश इज कल्चर्ड एट ए टाइम देन इज कॉल्ड पॉलीकल्चर। अगर टर्म्स होती कि बहुत सारे फिशेज, क्रस्टेशियन, मोलस्का, इनका अगर हम कल्चर करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एक्वाकल्चर। मोनोकल्चर सिंगल के लिए होता है, मैरीकल्चर मैराइन के लिए होता है, पॉलीकल्चर जो होगा स्पीसीज के लिए होगा, जैसे लेबियो, कैटला और आपकी मृगल्स। इंड्यूस ब्रीडिंग जो होती है कैप्चर इंड्यूस ब्रीडिंग है। सकिंग मॉल जो होते हैं बेटा लैम्प्रेज में होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ची पॉलमनी आर्टी इन लंग फिश द सिक्स बनाती है बेटा, प्लेकोइड स्केल आर प्रेजेंट इन द सार्क। स्मोकिंग यहाँ पे देख रहे हैं, स्मोकिंग जो है एक टर्म्स आती है फिश प्रिजर्वेशन के लिए आती है। हार्मोन एडमिनिस्टर्ड इन फिश डाइट फॉर प्रमोटिंग मेलनेस, दैट इज द मिथाइल टेस्टोस्टेरोन। आउट ऑफ द फॉलोइंग इंडियन ट्रॉट, बेटा ये सालमो ट्रुटो और सालमो गार्नी तो ट्राउट हैं पर एग्जोटिक हैं, तो इंडियन जो होगी बैरीलस बोला, डेनियो डेवरियो अपनी जो है ये एक्वेरियम फिश है। नंबर ऑफ बाल्बर इज इन कैट फिश दैट इज फोर पेयर्स, देयर आर थ्री पेयर्स ऑफ होलो ब्रांक्स इन लेवियो, थ्री होलो ब्रांक होते हैं, टू हेमी ब्रांक्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल मैराइन प्रोडक्शन इज हाइएस्ट इन नॉर्थ एशिया, डॉर्सल फिश इरोजन इज फिश ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच अमाइनो एसिड। ये बेटा थोड़ा सा अनशन नहीं मिला मुझे, मैंने पढ़ा नहीं है तो ये आपको नहीं मिलेगा। माइग्रेशन फ्रॉम फ्रेश वाटर टू मेराइन, फ्रेश वाटर से मेराइन जाएंगे बेटा तो दैट इज द कैटाड्रोमस, और मेराइन से फ्रेश में जाएंगे तो दैट इज द एनाड्रोमस। पोटेमोड्रोमस हो गए जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, एम्फीड्रोमस होते हैं जो दोनों करते हैं। फॉस्फोरस और नाइट्रोजन कॉन्टेंट जो होता है दिस इज फाउंड इन द काउ डंग, वेयर ए सिंगल जीन, अगर सिंगल जीन इन्फ्लुएंस करता है एक्सप्रेशन ऑफ मोर देन वन ट्रेड दैट इज कॉल्ड प्लियोट्रोपिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 122, इन आर्टिफिशियल फीड प्रेपरेशन विच इज यूज इन, इसमें बेटा टपोई का फ्लोर यूज करते हैं। एंजल फिश जो बेटा ये जो है आपकी एग डिपोजिटर है। मेलनेस एंड फीमेल सेक्स रेशो, जो गोल्ड फिश ब्रीडिंग के लिए मेल जो होते हैं ज़्यादा होते हैं, फीमेल कम होती है, तो इसलिए दो और एक की रेशो होती है। द सिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कैन बी लैस्ट एंड फेड टू न्यूली हैस्ट ऑर्नामेंटल फिश, यहाँ पे बेटा न्यूली के लिए हम आर्टीमिया डालते हैं। विच ऑफ द प्राइमरी प्रोड्यूसर इन द फूड चेन, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इज द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट जो बेटा डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ वाटर इज एस्टिमेटेड बाई बिंगलर मेथड है, मैंने इसकी वीडियो डाली हुई है कैसे इसको मेज़र किया जाता है, और बिंगलर मेथड ये वीडियो डाली हुई है मैंने डीओ को मेज़र करने के लिए। ओवरिन फिशेज टू लोब्स होते हैं, मॉर्फोमेट्रिक करेक्टर होते हैं फिशेज को जिनको हम मेज़र करते हैं, उससे हम उसकी टैक्सोनॉमी मेज़र करते हैं। लेटरल लाइन ऑफ फिशेज और सेंस ऑर्गन के लिए होती है, सेंस ऑर्गन का काम करती है। सेकिडिस से हम ट्रांसपेरेंसी डालते हैं, कितनी ट्रांसपेरेंसी चेक करते हैं। रोहू इस जो है कॉलम फीडर है, कैटला कैटला सरफेस फीडर है, टिनोफ्रेंजिडोन ग्रास कार्प ये है, बॉटम जो है मृगल फीडर, तो आंसर जो है कॉलम फीडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीडेटर एंड बीड फिश इन ए फिश पॉन्ड कुड बी इरेगेटेड बाई यूजिंग, जब हम प्रीडेटर को रिमूव करना चाहेंगे तो जिंजली ऑयल केक डालना पड़ेगा हमें। ऑयस्टर जो है बेटा मोलस्क है, कलरलेस नेटिंग मटीरियल आर प्रेफर्ड फॉर गिल नेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलरलेस ऑर्डरलेस रेफ्रिजरेंट, दैट इज द फ्यूरॉन,
Which of the following are invertebrate? Crustacean and bivalves. These are invertebrate, other are chordate. Dolphin आप देख रहे हो. The antimicrobial used for preparation of fish feed, that is the propionic acid. ट्रॉट फिश इज, ये बेटा फ्रेश वाटर फिश है, कुल्लू में मिलेगी आपको, पतली कुल में, ये कोल्ड वाटर में रहती है, बिलो 15 टेम्परेचर. द स्पीसी नेम ऑफ मिल्क फिश इज द चनस चनस. सेमी मॉइस्ट फीड कंटेन द मॉइस्चर लेवल इन द रेंज ऑफ 15 to 25%. नंबर ऑफ अडल्ट पिग नेसेसरी फॉर द फिश प्रोडक्शन, दैट इज द 20. अडल्ट एन एमनियोट दैट रिटेन एन एमनियोट दैट इज द, ये सारे ही बेटा एन एमनियोट है, इंडियन आई थिंक लैम्प्रे. द हिप्पोकैम्पस, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, इसका हिप्पोकैम्पस है वो सी हॉर्स है, जो ऊपर आपको कैसे दिखेगी, हॉर्स की तरह, बेली उसकी दिखेगी आपको कंगारू की तरह, और टेल दिखेगी मंकी की तरह. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट इंड्यूस, जो पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट होता है उसमें हॉर्मोन्स होते हैं, वो ओवुलेशन को प्रमोट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक. बेटा यहाँ पे पेनिसिलिन जो है वो एंटीबायोटिक है. लाइमिंग इज यूज फॉर करेक्शन ऑफ पीएच. वाटर बॉडी विद एडिशन ऑफ सीवेज एंड अर्बन रन ऑफ, बेटा यूट्रॉफिक होती है, यूट्रॉफिक के बाद वो डिस्ट्रॉफिक हो जाती है. लार्जेस्ट फिश प्रोडक्शन स्टेट इन इंडिया, वेस्ट बंगाल है, दूसरे पे उड़ीसा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज इन्वॉल्व इन पैकिंग सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, दैट इज द हेलिकेज. लाइगेज जोड़ने का करता है, पॉलीमरेज एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड करता है, टॉप आइसोमरेज करता है, ये टेंशन को रिमूव करता है. टू क्रोमेटिन फाइबर, बेटा आपको एस टू के बाद जी टू आता है तब दिखेंगे. एक कॉडल फिन जो होती है बेटा, अगर होमो सर्कल है बराबर होगी, हिटीरो सर्कल है अलग अलग होगी, डाइफाई सर्कल है. आंसर जो है इसका बी है. यहाँ पे बेटा कौन सी हिस्टोन प्रोटीन इन्वॉल्व होती है, हिस्टोन प्रोटीन डीएनए में, तो एच वन नहीं होती, एच टू है, एच टू बी, एच थ्री और एच फोर होती है. विच अमंग द फॉलोइंग प्रपोज द अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, दैट वॉज गिवन बाय पॉइलिंग एंड कोरे, और क्रिक एंड बर्सन एंड डीन ने दिया था, नाइन वन एंड खरदा ने आपके वो दिए थे, जेंटी कोड. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, अगर एनर्जी फ्लो होगा वो हमेशा यूनि डायरेक्शनल रहता है, आंसर इज द सी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक ऑफ बायोलॉजिकल कम्प्लेक्सिटी कम्युनिटी, दैट इज द सेक्स रेशो. आरएनए जब एंटीबायोटिक का काम, कैटालाइजिंग का काम करता है, एंजाइम का काम करता है, तो उसको बेटा राइबोजाइम बोलते हैं. बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज कर जाती है जब सीवियस वाटर एड होता है, तो आंसर इज द ए. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये बेटा टेस्ट क्रॉस होता है. टेस्ट क्रॉस में क्या किया जाता है, जो F1 जनरेशन होती है, मान लो ये पेरेंट्स हैं को हमने क्रॉस कराया, तो यहाँ पे F1 जनरेशन में TT बन गया, सारे जो आपके पास थे गैमेट बना, यहाँ से टी, यहाँ से टी जो एलील आए, गैमेट बनने के बाद क्या हुआ, इन एलील से ये फ्यूज़ करके F1 जनरेशन बन गई. ठीक है बेटा, जब इसको हम इसके साथ क्रॉस कराएंगे, तो टेस्ट क्रॉस हमेशा होमोजाइगस और हिट्रोजाइगस को देखने के काम आता है, तो दैट इज द बी. लोकटक लेक बेटा मणिपुर में है, फ्लोटिंग लेक. द इंडियन एडिबल ऑस्ट्रिया बेटा क्रेसो ट्रिया है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिश इज बीबी पेरस, वो सार क्या बेटा. विच इज एन एग्जोटिक कार्प स्पीसीज, सिपरनियस कार्पियो बेटा इंडियन है, एंडेमिक है सारी, सिपरनियस कार्पियो जो है एग्जोटिक है. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, वेयर आर फ्राई रेज टू फिंगरलिंग. फ्राई जो जब हैच कर जाएंगे, हैचरी में रखते हैं उनको, हैचरी के बाद फ्राई फिंगरलिंग के बाद हम नर्सरी में डाल देते हैं. फिश दैट टॉलरेट ए वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी, सैलिनिटी रेंज करते हैं उसको यूरी हेलाइन बोलते हैं, स्टीनो हेलाइन कम करता है. स्विम ब्लैडरी फाइसोस्टोमस एंड रेस्पिरेटरी इन, दीज आर ऑल द लंग फिशेज, एंड द आंसर इज द ऑल ऑफ दीज. विच ऑफ द फिश स्पीसीज फॉर्म दैट बायोलॉजिकल बीड कंट्रोल, तो ग्रास क्रॉप यूज करते हैं हम अगर हमने बीड को रिमूव करना है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैक्टीरियल डिजीज, दैट इज द फिन रॉट. द ऑर्गेनिज्म इन हैबिटिंग द बॉटम ऑफ द सी, उनको हम बेंथोस बोलते हैं, और द वेट ऑफ गोनेड रिलेटिव टू द बॉडी वेट इज नोन एज गोनेडो सोमेटिक इंडेक्स. दिस इज ऑल अबाउट बेटा
फिशरी क्वेश्चन आप कमेंट कीजिए, कौन सा क्वेश्चन आप में प्रॉब्लम है, कितनी आपकी मेरिट जाएगी, कितना आपका स्कोर है। अब हम ये भी कैलकुलेट करेंगे किसका हाईएस्ट जाएगा, सारे अपने कमेंट्स करें और इससे हम मेरिट निकाल देंगे बहुत जल्दी ही। तो होप करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और इसमें आपको आंसर भी मिले होंगे, मैंने पूरी तरह से सॉल्व करने की कोशिश की है। और अपने कमेंट्स ज़रूर करें क्योंकि मैं मेरिट इससे निकाल दूंगा कि किस बच्चे के कितने हैं। थैंक यू वेरी मच।